चैनल एंजल गैब्रियल चैनल संदीप सूर्या मेड फॉर वर्गो। कन्या राशि के लिए एंजल्स का ही फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, किसी प्रेम में पड़ जाएंगे आप। जैसे होता है ना कि ना आपको खुश करने के लिए होता है प्रेम पत्र, जैसे होता है ना कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, तो वो उसको कंसीव कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पे या फ़ोन कॉल्स पे, कोई जना कोई डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से देखिए। एंजल्स आपको मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको कुछ मैसेज आपको अगर कन्वे करना है तो रिटर्न में ज़रूर उसको मैसेज करिए, और लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करेंगे, और आपको अच्छा भी लगता है कि आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट लोग करें, लोग आपका आदर करें, कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है आप लोग का। अगस्त मंथ में कॉन्फिडेंट रहेंगे, सेल्फ डिटर्मिंड रहेंगे, और आपको लगेगा कि लोग मुझे चाहें, लोग मुझे जाने पहचाने, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती सोसाइटी में। आप बहुत ही फेथफुल इंसान हैं, बेमानी आपको पसंद नहीं है, आप एक लॉयल पर्सन हैं। आपको अपने वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत आप मतलब लगाव है आपको, और अगर आप खुद एक फीमेल हैं तो हस्बैंड और अपने चिल्ड्रेन मतलब अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा आपका लगाव दिख रहा है। अपने फैमिली के लिए आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि क्या करें क्या नहीं करें और अच्छा क्या कर लें कि मेरी फैमिली को और अच्छा एक एनवायरनमेंट मिल जाए, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चिंता रहेगी थोड़ी सी। और सरप्राइजिंग चीज़, एकदम से कुछ ऐसा होगा कि आपके हाथ में आ लग जाएगा कुछ, जैसे होता है ना कि अचानक से कुछ हो जाना, तो ये अचानक वाली चीज़ सरप्राइजिंग थिंग होगी और आप शॉक्ड हो रह जाएंगे। और अगस्त में आपका सब कुछ अच्छा है, बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा आपके जो दुश्मन हैं उनसे बच के रहेगा, वो आपकी उनकी नज़र आप पर है, तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा दूर ही रही तो ज़्यादा अच्छा है, उनको इन्वॉल्व मत करिए। पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है, और जैसे होता है ना कि आपको लगेगा कि आप तो अच्छे इंसान हैं, आपने ठीक है आपने फेथफुलनेस के साथ रिश्ता निभाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या है ना कि उस व्यक्ति ने आपको नहीं समझा, लेकिन जो आपको समझ रहे हैं उनके साथ साथ आपको निभाना चाहिए कायदे से। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली वो दुश्मन है आपका, तो उससे सेपरेशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो चीज़ आपके लाइफ से जानी है उसको जाने दीजिए, उसके पीछे भागिए नहीं, और मूव ऑन कर जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। मूव ऑन कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मूव ऑन करते ही कोई सरप्राइजिंग चीज़ आपके साथ होगी अचानक से। और हीलिंग एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट आपके प्रोफेशनली आपका अच्छा दिख रहा है। अगर आप प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, प्रोफेशनली ग्रोथ है, मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, विकास होगा आपके लाइफ में प्रोफेशनली। और ग्रीन हीलिंग एनर्जी, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं तो उनके पास बैठिए, उनको वाटर दीजिए, उनको पानी देना, उनकी सेवा करना, और आप अगर आप ऐसा करते हैं इससे बहुत चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, पेड़ों को पानी देने से, पेड़ों के पास घूमने फिरने से। और इससे क्या होता है कि आप जब नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आपके ऑरा में आती हैं, और आपके यहाँ दिख रहा है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। बहुत दिनों से कोई मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। आपको पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे खरगोश हो गए या मतलब जो पेट्स खेलने के लिए, तो अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रकृति को एंजॉय करिए, नेचर को एंजॉय करिए। और प्रपोजल का आया हुआ है, कोई फ्रेंड बनाना चाहेगा आपको अपना, और आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा कोई दोस्त बना, कोई आपको वो बहुत प्रश्न पूछ सकता है, मतलब कुछ पूछेगा कोई जना आपसे कुछ, तो उसको अच्छे से मतलब जो भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है फ्रेंडशिप के लिए उसको जवाब चाहिए, वो जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या चल क्या रहा है, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इसमें या हो रही है जो कोई भी है, तो ये पर्सन है आपके लाइफ में। कोई संदेशा मिलेगा आपको, या तो उस पर्सन से मिल सकता है या कहीं और से, कोई गुड इन्फॉर्मेशन, कोई अच्छा संदेश आपको मिलेगा, कन्वे करना चाहेगा, तो रिटर्न में आप भी उसको मुझे लग रहा है कि आप कुछ मैसेज करना चाह रहे हैं किसी को, कि आप चाहते हैं या किसी को इस तरीके से है, उसकी फीलिंग क्या है ये। और आपके जब भी आप फिश देखें, फ्लावर्स देखें, तो बहुत अच्छा समय है,
खुशियाँ दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता रहेगी। संपन्नता मतलब कि पैसा नहीं होता, पैसा तो है ही है जो भी है, लेकिन अपने सोलमेट और लवमेट जो चाहने वाले लोग हैं आसपास आपके परिवार के लोगों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। खुशियाँ रहेंगी, आप इंजॉय करेंगे लाइफ, चेयरफुलनेस विल बी देयर, चेयरफुल रहेंगे और एक अपना अलग घर बनाना चाहेंगे, मतलब एक अलग अपनी अलग दुनिया हो। बहुत इमोशनल फील करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, आप इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो ये सब चीज़ें आपके अगस्त में रहेंगी। अच्छा है जो भी है, अगेन एंजल्स की तरफ से या हाउस का ही यहाँ पे मैसेज आया हुआ था कि आपको घर बनवाने या अपना घर होने की बहुत फीलिंग रहेगी कि मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए, फ्लैट या अपार्टमेंट होना चाहिए, और वहाँ सब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग रहेंगे और मैं इस चीज़ को देखूं कि क्या हो रहा है उस घर में, क्या नहीं। आपको ये सब अच्छा लगता है। बहुत ही न्यायप्रिय लोग होते हैं आप लोग, लोग आपके पास एडवाइस लेने के लिए काफ़ी, अगर हो सकता है अगस्त में हो आए हैं तो उनकी मदद कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ के इस वक्त आपको लेने पड़ सकते हैं और जो भी करेंगे बिल्कुल न्यायप्रिय होकर चलें। गलत चीज़ पे, गलत मतलब नेगेटिव चीज़ पे तो जाना ही नहीं है। एक अलग राह बनाने की ये यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है कि एक, हाँ ठीक है, आप अपना एक अलग रास्ता बनाइए। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपने इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्स आपको पूरा मौका दे रही है कि उस आपका मन करेगा कि उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस फील्ड में जाना चाहिए, या मेरी राह जिंदगी की ऐसी होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे ऐसा करते वक्त आपको खुशी मिलेगी। और यहाँ पे मैसेज है, अगर आप एक फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपको प्रपोजल आए एक मेल की तरफ से, अगर आप एक मेल हैं तो फीमेल की तरफ से आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी आपकी आपकी पर्सनैलिटी में प्रॉस्पेरिटी दिखेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे। आपकी शादी को लेके बातचीत हो सकती है, अब चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, लेकिन हो सकती है अगर आप अनमैरिड हैं। और अगर मैरिड कपल्स हैं ऑलरेडी तो हो ना हो आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है, हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, खुशियाँ। जैसे होता है ना कि, जैसे मैंने बोला ना कि पिछले उसमें कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है कि आपके खुशियाँ रहेंगी। वेडिंग इवेंट्स में जाना, वहाँ घूमना फिरना और अपने टाइम स्पेंड करना लाइफ पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो लोग आपकी शादी के हो सकते हैं लेकिन बातचीत भी करें, ये सब रहेगा। तो खुशियाँ रहेंगी, अच्छा मौका है, बढ़िया है, हैप्पी मोमेंट्स हैं अगस्त के मंथ में। बस दुश्मन से बच के रहेगा, वही एक नेगेटिव कार्ड आया है और किसी से पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है। आपको लगेगा वो अच्छा है लेकिन आपको पेन भी होगा, लेकिन उसको छोड़ दीजिए वहीं पर ही, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहे पर्सन हो, चाहे आपका जॉब सिचुएशन हो, तो जो वहाँ जो लोग हैं उनको भी आप, हो सकता है दुश्मन वहीं बैठा हुआ हो, या अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो हो सकता है कि अगल बगल नेबरहुड में या रिलेटिव्स में कोई जना हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई जना नज़र रखे हुए हैं तो थोड़ा सा बच के रहेगा। आपको फील हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन कहेगी। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और स्पिरिचुअल इंसान हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर से मैसेज करेगी। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच एंड यू विल फॉलो इट, आई थिंक सो। थैंक यू सो मच।